दिल्ली विश्वविद्यालय को पूरी 100 वर्ष ही अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम फ्रॉम स्वराज टू न्यू इंडिया आयोजन होती। गृहमंत्री अमित शाह और केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख जोगदे। अंतर्जातीय सेमिनार में मोट 16 सेसन रही जो अनेक विषय उपर चर्चा हो। गृहमंत्री अमित शाह प्रथम थर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कार्यक्रम में जोगदे। दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर जोगेश सिंह अभिभाषण में केन्द्रमंत्री अमित शाह केन्द्र शिक्षामंत्री को धन्यवाद देते। वर्तमान पूरा सीधा सड़क नजर पकड़ गृहमंत्री अमित शाह अभिभाषण उपर। आज एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रार्थना प्रारंभ हो रहा है, इसका और आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेंगे। आज एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रार्थना प्रारंभ हो रहा है, इसका जो विचार रखा है मतलब इसकी जो थीम रखी है वो कई लोगों को ना समझ में आएगी ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे। स्वराज से न्यू इंडिया, भारत के विचारों का पुनरावलोकन, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, एक मणिकंचन योग है। और ये विधि ने ही तय किया होगा कि जिस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होंगे उसी वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी होगा। और एक प्रकार से इस वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत हो, आजादी के 75 साल हमारे लिए बहुत गौरवप्रद, भारत के अनेक क्षेत्रों के अंदर चकाचौंध करने वाली उपलब्धियों को प्राप्त किया है, विश्व के अंदर अपना स्थान जमाया, हमारी लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए, अनेक क्षेत्रों के अंदर जिस पर हम गर्व ले सके इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। मगर 75 से 100 साल की यात्रा, अमृत काल की ये यात्रा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने 25 साल को संकल्प सिद्धि के 25 साल के रूप में वर्णित किया है और हर क्षेत्र के अंदर भारत को सर्वोच्च बनाने का संकल्प अभी हम लेंगे। ये संकल्प का वर्ष है और संकल्प सिद्धि का समय है। आज से लेकर 25 साल तक 2047 तक इस संकल्प सिद्धि की यात्रा है और ये अमृत काल के समय में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आज इस संगोष्ठी का शुभारंभ कर रही है और मैं आज इस संगोष्ठी की शुरुआत करने के लिए आ गया हूं। यहां अनेक प्रकार के विषयों की स्वराज चर्चा होगी, स्वराज, वंदे मातरम, स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, अंत्योदय, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, पंथ निरपेक्षता, सबका साथ सबका विकास, अनेक विविध विषयों पर यहां पर विशद चर्चा होने वाली है। मगर मैं सबसे पहले इसके टाइटल पर जाना चाहता हूं। इस संगोष्ठी का जो आज का विषय है, स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, स्वराज शब्द को आजाद होने के बाद कि क्यों इसकी व्याख्या इतनी सीमित कर, स्वदेश स्वराज की व्याख्या सिर्फ शासन व्यवस्था तक सीमित कर, स्वराज की व्याख्या शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं होती। पहले अंग्रेज राज करते थे और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आज हमारे लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राज कर रहे हैं तो स्वराज मिल गया, ये मानना मैं नहीं मानता ये पर्याप्त। हमारी स्वराज की कल्पना कभी ये नहीं थी। हमारी स्वराज की कल्पना में स्व शब्द का बहुत महत्व है। राज का मतलब व्यवस्था लाने वाला, राज का मतलब शासन नहीं। स्व का बहुत मतलब है स्वराज की व्याख्या करने वालों ने आजादी के बाद स्व को बहुत डाइल्यूट कर दिया और शासन को बहुत बड़ा कर दिया। इसी के कारण आज 75 साल के बाद हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें फिर से एक बार इस पर विचार करना चाहिए। स्वराज की व्याख्या में ही स्वदेशी अपने आप आता है, स्वराज की व्याख्या में ही स्वभाषा अपने आप आता है, स्वराज की व्याख्या में भी स्वधर्म अपने आप आता है,
स्वराज की व्याख्या में ही हमारी संस्कृति अपने आप आता है और स्वराज की व्याख्या में ही देश का सर्वोच्च विचार सबसे पहले अपने आप। मेरा यह सौभाग्य में एक ही महीने में एक फोर्टनाइट के अंदर दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा हूं। मैं पिछले बार भी कहा था मैं कभी भी आता हूं तो मेरा मन में थोड़ा ईर्ष्या होती है, काश मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं जीव का छात्र हो सकता। आज अनेक कार्यक्रम अभी इन दिनों में शताब्दी समारोह के दौरान शुरू हो गई है। इस सेमिनार में उस जिस कंटेंट को लेके आने वाले दिनों में स्वराज जैसे न्यू इंडिया की जो प्रवास हुई है, विशेष करके पिछले 7 साल नहीं इस बीच में 8 साल हो गया है, 2014 मई से 2022 मई, इस क्षण में हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई भारत बनाने की जो एक नेतृत्व चल रहा है उसके 8 साल अभी पूरा होगा 30 मई को। इस क्षण में इस काल में जो जो चीज अच्छे हुए हैं, लक्ष्य भारत को 21वीं सदी में एक महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। भारत तो महाशक्ति पहले से ही है, समय चक्र में कभी कभी कोई ऊपर आता है कोई नीचे आता है, लेकिन मैं इसीलिए मित्र पुलकित हूं, हम सब मिलकर 21वीं सदी में भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाना शुरू कर दिए, उसकी प्रवास शुरू हो गया है। संजो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके नेतृत्व कर रहा है।